देखिए मेहनत करने के लिए ना बेरोजगारी है ना भागाई है, करेंगे कुछ नहीं। सपा का सरकार में जहाँ दसी निकली वहाँ विनाश हुई। सरकार जो है मोदी जी को बड़े अच्छे ढंग से चलत भाई, योगी जी को महंगाई की समस्या है ना बेरोजगारी की समस्या है। सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है, हर चीज हुआ है, ईमानदारी से हुआ है। बीजेपी कमल का फूल जीती तब भी बढ़िया से और विकास हुई। हाँ चाचा, लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई है, क्या लगता है आपको? देखिए मेहनत करने के लिए ना बेरोजगारी है ना महंगाई है, करेंगे कुछ नहीं। और चार चक्के की गाड़ी से चलेंगे, पेट्रोल डीजल कहाँ से आएगा पहले बताओ, करना है कुछ नहीं। और चार चक्के से चलेंगे, लैट्रिन करने के लिए मोटरसाइकिल से जाएंगे, और करेंगे कुछ नहीं। बोलिए, काम करने वाले के लिए न बेरोजगारी है ना महंगाई है। और बोलिए, आप अपने समय में 2.75 रुपए आप बता रहे थे पेट्रोल देखे हैं, 30 रुपए भी देखे, 40 रुपए भी देखे, 100 रुपए भी देख लिए। 1 पैसा भी देखा हूँ, 2 पैसा भी देखा हूँ। जब महंगाई बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रहा है, ईश्वर नहीं ध्यान दे रहे हैं। एक ये समय था कि मऊ से बरे में 45 मिनट में साइकिल से आ जाता था, इतनी गाड़ियां नहीं थी। मऊ से बरही जो है 21 किलोमीटर मैं साइकिल से आता था 45 मिनट में। अब बताइए, कितना टाइम लग जाता है? अब तो मरदा जाने में मरे इसी जोड़े का 45 मिनट लग जाता है, जाम इतनी गाड़ियाँ जाम हो जाती है। अब बताइए, अब तो ये तेल का दाम बढ़ते गया, लोग कह रहे हैं कि 100 पार कर गया तेल। गाड़ी भी तो बढ़ रही है, तेल का दाम बढ़ा तो गाड़ी नहीं बढ़ रही है, गाड़ी उतने पे तो है नहीं। जिसके घर में कल एक साइकिल नहीं थी, उसके घर में 5-5 जो 2 चक्का है, 1-2 चक्का से नहीं काम चल रहा है, 5 से चल रहा है, तो तेल का दाम नहीं बढ़ेगा। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि गरीब को जो है जीवन यापन करने में तकलीफ हो रही है, आप लोग को दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करिएगा, दो रोटी। हम एक चीज बता दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर महंगा है, देहात के लोगों के लिए गैस सिलेंडर है। 5 मंडा में घर है हमारा, 1 भैंस नहीं रख सकते हैं, भैंस रहेंगे दूध भी मिलेगा और गोइठा भी मिलेगा, खाना बन जाएगा, तो करेंगे कुछ नहीं। गैस सिलेंडर किसके लिए आप बताओ, गैस सिलेंडर जो इतनी बड़ी कोठरी में उसके लिए है ना कि हमारे 5 मंडा में घर है और हम कहेंगे सिलेंडर महंगा है। अरे रख लो दो वो भैंस, एक में गोइठा रखो, एक में भूसा रखो, एक में बांधो, मेहनत करो, उससे खाना बन जाएगा, करेंगे कुछ नहीं। ये महंगा है, वो महंगा है, वो महंगा है, जिनकी फुटानी दुनिया भर का खाली फुटानी झाड़ा था लोग। हाँ, और करेंगे कुछ नहीं। कालर टाइट करिए, 1 पैसा ना दिन भर कालर टाइट करके मोटरसाइकिल से चलिए, पेट्रोल वाला पैसों कहाँ से आई? घर में खेती हो ना करिए, नेतागिरी करिए, उन्होंने लोग खातिर मांगा काम कर वाला के ना मांगा। अच्छा, गाजीपुर का विकास उकास भाई ला विकास जब हुआ है मनोज सिन्हा के, अब मैं तो बता दूं कि जनरल बसर का भी देखा हूँ, सिन्हा का भी देखा हूँ, हर पार्टी का देखा हूँ, लेकिन जो है सिन्हा के बाद कोई विकास गाजीपुर में नहीं हुआ है, जब से मेरा होश हुआ है, जब से मेरा होश हुआ है, सिन्हा के बाद जो है कोई विकास नहीं हुआ है, एक ईटा भी गाजीपुर में कोई नहीं रखा है। तो 2019 में कैसे हार गई ना? अब छोड़िए वो बात, छोड़िए, गठबंधन में हार गया है। ओम प्रकाश की पार्टी, बसपा, सपा मिलाकर जो है 1,20,000 से नारा है। अब तो तीनों तीन जगह चल गए। अब बोलिए, इस बार जो आप बता दिए ना, दिन में किसको सूर्य नहीं दिखाई दे तो मैं थोड़ी दिखाऊंगा। आप चलिए बेटा, चलिए। तो देखिए चाचा जो है, कहा चाचा कहा, आप एकदम समीकरण समझा रहे थे। नहीं ठीक है, अरे भाई कहने का मतलब कि मान की सरकार जो है मोदी जी का बड़े अच्छे ढंग से चलत भाई, योगी जी का
इसमें कोई समस्या नहीं है, ना महंगाई की समस्या है, ना बेरोजगारी की समस्या है। समस्या है सिर्फ बेकारी लोगों का, बेकारी जिसके पास है कुछ नहीं है। हाँ, अब परिश्रम करने वाले इंसान के पास कुछ नहीं है। हम तो यहाँ बैठ कर 54 साल से बैठ के चाय बेच रहे हैं, आजाद है, परिवार से लेकर आजाद है, समाज से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सिन्हा जी 5 वर्ष के अंदर काम कर दिए हैं वो एक ऐतिहासिक काम हुआ है। सिन्हा जी के जमाने में एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है, भाई ट्रेनिंग सेंटर वो दिए, रेलवे का उतना बड़ा विकास वो दिए, स्टेशन का विकास दिए हैं, पूरे जिला में स्टेशन की बदलाव कर दिए हैं, पूरे जिले में स्टेशनों का बदलाव कर दिए हैं। हाँ, ये कि भाई जो कहने के लिए जात पात पे लड़ाई है, जात पात में मान ले कि क्या होता है नहीं होता है, लेकिन लोग विकास के लिए, हम भी तो मान ली यहाँ बैठे हुए हैं, 54 साल से बैठे हुए हैं, सभी लोगों को देखे हैं, 10 साल जरूर बसर थे, 10 साल पैदा वो सरजू पाड़े थे, लेकिन फिर भी मान ले कुछ विकास नहीं हुआ, विपक्ष में थे। हाँ, मोदी जी के वजह से सिन्हा जी को बहुत बड़ी सफलता मिला, लेकिन पता नहीं क्यों पब्लिक जो है क्या समझ के उनको नकार दिया। भाई विकास तो किया, आखिरी विकास किए जो ट्रेनिंग सेंटर मैं यहाँ पूरे भारत में, आप इतना काम गिनवा दिए लेकिन 19 का चुनाव हार गए। दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि मोदी योगी बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि विकास की रफ्तार रुक गई है, बेरोजगारी महंगाई है। तो विपक्ष, हाँ, महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई तो उस जमाने में साइकिल नहीं था, इस जमाने में 10-10 को 15-15 को घर में मोबाइल है, फोर व्हीलर गाड़ी है, जिसके पास पैदल चलने का समर्था नहीं था उसके घर में 4 व्हीलर 2-2 को 3-3 को खड़ी है। महंगाई कोई नहीं है, सिर्फ मन का महंगाई है, कोई महंगाई नहीं है। कांग्रेस सरकार में भी तो 65 रुपया किलो चीनी बिका गया, कोई शरद पवार 65 रुपया किलो चीनी बिचवा दिए महंगा, वहाँ उस समय महंगाई नहीं था। कांग्रेस सरकार में तो भी 1200 रुपया का सिलेंडर बिक गया, वो नहीं मिलता था, हमारा 2-2 सिलेंडर चोरी हो गया सिलेंडर लेने में, हमारा सिलेंडर लेने में 2-2 सिलेंडर चोरी हो गया, इस समय घर बैठे आप पहुँचा रहा है। महंगाई क्या, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, ना किसी कोई प्रकार का समस्या है, शहर में बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है, योगी जी की वजह से शहर में आखिरी शांतिपूर्वक है, कानून व्यवस्था ठीक है, एकदम आखिरी ठीक है। क्या भैया, गर्मी से आप सबको राहत दे रहे हैं लस्सी पिला कर, लेकिन राजनीतिक गर्मी कैसी है? राजनीति बस अच्छी है, होना भी चाहिए, इस सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है, हर चीज हुआ है, ईमानदारी से हुआ है। पहले लोग 10 लाख 5 लाख दे के नौकरी लेते थे, अभी सरकार में कुछ जितना मेहनत करिएगा आपको उतना नौकरी पाइएगा, जितना मेहनत करिएगा उतना आपको सफल मिलेगा, आप रात 12 बजे घूमिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, काम अच्छा हो रहा है। हमारे सिन्हा जी ने बहुत काम किया है, ताड़ी घाटी जोड़ दिए, रेलवे का बहुत सारा काम हुआ, सीवर का काम चल रहा है। भाई विपक्ष तो बहुत कुछ कहेगा, लेकिन आपके यहाँ जो है भात भात के लोग आते होंगे, तो कैसा माहौल चल रहा है लोग जब बातचीत करते होंगे? माहौल के हिसाब से देखिए, विपक्ष तो अपना कह रहा है, जो बाकी इनका कह रहा है, इस समय फिलहाल दोनों लोग का लड़ाई बराबर चल रहा है, बराबर है। चलिए, लस्सी कैसा रहा? बढ़िया। और राजनीति कैसा रहा? राजनीति भी बढ़िया है। ये जो गठबंधन कहले हुआ लोग ना, महागठबंधन ही ठग वाला गठबंधन है। अच्छा। एकदम जहाँ जीतियन विपक्ष जीतल तो फिर गाजीपुर नरक हो जी। अच्छा। हाँ, बीजेपी कमल का फूल जीती तबे यहाँ बढ़िया से और विकास हो। लोग जोन बाकी विकास नहीं हो था, बेरोजगारी महंगाई, ये लोग तो जीत के विनाश कर दिल लोग, तब का विनाश कर दिल गठबंधन जोड़ के सब मनुष्य नहा के हरा के, अब गठबंधन ना जी चली। हाँ, पब्लिकों के समझ में आ गए, पब्लिक के एकदम समझ में आ गए कि महागठबंधन के ठग गठबंधन हो तो। हाँ, जब जीती हो तो जहाँ जीती हो तो तहाँ विनाश विनाश, ये हमारी गारंटी है। जहाँ सपा का सरकार में जहाँ तसी निकली वहाँ विनाश हुई। अखिलेश यादव आ जाए तो कुछ माहौल बदली। हाँ, क्या कर लिया वही तरह कुल चोरवा मिल गए तो कुल एक तार। हाँ, और कुछ चुनाव खड़े वाला फिर नहीं है मोदी 400 पार। हाँ, 400 पार एकदम नारा, 400 पार तो 400 पार।
चलिए, तो ये गाजीपुर के स्थानीय लोग हैं और अपनी अपनी राय रख रहे हैं। खैर, नतीजे 4 जून को आएंगे, तभी जो है आप लोगों को पता लग जाएगा। लेकिन गाजीपुर लोकसभा सीट जो है पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। चाहे मुख्तार अंसारी का वो प्रकरण हो, उस घटना के बाद से ही गाजीपुर जो है सुर्खियों में रहा और अब इस चुनाव के दौरान भी सुर्खियों में है। लेकिन 4 जून को नतीजे आएंगे, उससे पहले आपको क्या लगता है कि गाजीपुर में क्या कुछ होने वाला है? आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।